नमस्कारम साथियों आज हम क्लास टेंथ के आर वालों के लिए चौथी प्रश्नावली का सॉल्यूशन लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रायिकता तो अभी हम स्टार्ट करते हैं देखिए प्रायिकता शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संभावना किसी भी चीज़ की संभावना व्यक्त करना ऐसी चीज़ जिसका गठित होना या गठित नहीं होना संभव रहता है उसकी हम प्रायिकता निकालते हैं और प्रायिकता जो परिणाम होते हैं उनसे जो पहले की अपन संभावना व्यक्त कर सकते हैं उसे ही प्रायिकता कहा जाता है यानी परिणाम से पूर्वानुमान लगाना कि परिणाम अपना क्या क्या हो सकता है परिणाम के बारे में पूर्वानुमान लगाना ही क्या है आपकी प्रायिकता होती है तो देखिए घटना के घटित होने व न होने से संबंधित होती है और प्रायिकता हमेशा प्रायिकता का हाईएस्ट या अधिकतम मान एक ही होता है और न्यूनतम जो मान होता है वो होता है प्रायिकता का जीरो देखिए घटना के घटित होने व न होने से संबंधित होती है अपनी प्रायिकता। परिणाम से पूर्व जो संभावना अपन सोच सकते हैं या कर सकते हैं वही उसकी प्रयोगता कहलाती है प्रायिकता का अधिकतम मान एक व न्यूनतम जीरो हो सकता है जीरो से नीचे नहीं जाएगा और एक से कभी भी आपका ऊपर नहीं जाएगा हाईएस्ट जो आपका उत्तर आ सकता है वो एक ही आ सकता है एक से अगर आपका उत्तर आ जाए कहीं भी प्रायिकता के प्रश्न में तो आंसर आपका गलत हो चुका है फिर देखिए जो घटना घटित नहीं होती है या नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता में से जीरो होती है और ऐसी घटनाओं को हम असंभव घटनाएँ है कहते हैं जिनका गठित होना ही संभव नहीं है ऐसी घटनाएँ आपके लिए असंभव घटना कहलाती है जिस घटना का गठित होना निश्चित होता है वह निश्चित घटना कहलाती है और उसकी प्रायिकता हमेशा एक होती है प्रायिकता का अधिकतम योग एक होता है और इसका फॉर्मूला दिया हुआ है अपने पी ई पी ई का अर्थ होता है घटना का गठित होना घटना का होना और पी ई ई के ऊपर ये डेस आ रहा है इसका मतलब होता है नहीं ये लाइन जो आ रही है ई के ऊपर इसका अर्थ होता है नहीं यानी घटना का नहीं होना घटना का होना और घटना का नहीं होना इन दोनों को अपन एड करते हैं तो प्रायिकता अपनी आएगी एक और प्रायिकता का एक फॉर्मूला दे रखा अपने पास प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे हुए कुल परिणाम अनुकूल परिणाम हो गए आपके लिए ऐसे परिणाम जिनकी संभावना अपन व्यक्त कर सकते हैं और ऐसे कुल कितने परिणाम हैं जो आप संभावना में ले सकते हैं वो हो गए आपके कुल परिणाम अनुकूल हो गए कुल परिणामों में से जो अपन से प्रश्न पूछ रहा है उस जो अपन उसमें से लिखेंगे वो गया आपके अनुकूल परिणामों की संख्या अब देखिए अपन पहला प्रश्न सोल करते हैं सबसे इजी प्रश्नावली आपकी ये पहला प्रश्न है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता यानी घटना के घटित होने वन नहीं होने की प्रयक्ता अभी मैंने बताया पी ई प्लस पी ई डेस बराबर होता है आपका एक यानी दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे आपकी घटना एक बनाएंगे उस घटना की प्रयक्ता जो घटित नहीं हो सकती हाँ ये पंद्रह पॉइंट एक दे रखा है ये पुरानी किताब में पंद्रह पॉइंट एक है नई किताब में चौदह पॉइंट एक है ये बाकी क्वेश्चन वो के वही है आपके देखिए सेकंड क्वेश्चन उस घटना की प्रयक्ता जो घटित नहीं हो सकती वह उसकी प्रगता हमेशा जीरो होती है उसकी प्रगता हमेशा जीरो होती है और ऐसी घटना क्या कहलाती है असंभव घटना कहलाती है दोस्तों क्या कहलाती है ऐसी घटना असंभव घटना इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पर्सन है थर्ड पर्सन इसमें उस घटना की प्रगता जिसका घटित होना निश्चित होता है वह क्या होती है आपकी निश्चित घटना होती है या उसकी संभावना उसकी प्रगक्ता क्या आपकी एक और ऐसी घटना क्या कहलाती है आपकी निश्चित घटना कहलाती है ऐसी घटना क्या कहलाएगी आपकी निश्चित घटना किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग जितनी भी घटनाएं होती हैं उनका सबका योग कितना आएगा एक आएगा सभी घटनाओं का योग कितना होता है एक फिर देखिए किसी घटना की प्रायिकता किससे बड़ी हो सकती है या उसके बराबर हो सकती है तथा उससे छोटी या उसके बराबर हो सकती है तो जीरो से तो बड़ी हो सकती है प्रायिकता और एक से छोटी हो सकती है या एक के बराबर हो सकती है ये मैंने बुरे पॉइंट आपको बताए पहले ही तो अब अपने स्टार्ट करते हैं दूसरा पर्सन जो बता रहा है निम्न प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायक हैं स्पष्ट कीजिए संप्रायक का अर्थ होता है जिसमें आप दो चीज़ छाट सको या दो चीज़ ढूंढ सको कि वह घटना हो सकती है या नहीं हो सकती है उसका आप क्लियरली स्पेसिफिकेशन कर सको वो हो गया आपकी सम्प्रायिक तो अब देखिए पहला प्रश्न इसमें एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है तो देखिए गाड़ी चालू हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती तो इसमें हम कुछ भी संभावना नहीं कर सकते तो यह संप्रायिक परिणाम नहीं है क्योंकि गाड़ी अगर चालू हो जाएगी तो वह चल जाएगी नहीं चालूगी तो नहीं चल पाएगी तो इसमें कुछ भी अपन सोच नहीं सकते वो तो सुधारने वाले पर डिपेंड करेगा इसमें तो यह घटना संप्रायिक नहीं हुई फिर देखिए आप एक खिलाड़ी बॉस्केट बॉल को बॉस्केट में डालने का प्रयत्न करती है वह बॉस्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं अब देखिए अगर खिलाड़ी आपकी अच्छी रहेगी तो वह बॉस्केट बॉल में डाल पाएगी और अच्छी नहीं रहेगी तो नहीं डाल पाएगी तो यह घटना भी संप्रायिक नहीं हुई इसमें हम देखेंगे यह घटना संप्रायिक नहीं है क्योंकि अगर खिलाड़ी अच्छी होगी तो वह बॉस्केट बॉल को बॉस्केट में डाल पाएगी और अगर अच्छी खिलाड़ी नहीं है तो वह बॉस्केट बॉल को बोल में नहीं डाल पाएगी देखिए थर्ड पर्सन है एक सत्य और असत्य पर्सन का अनुमान लगाया जाता है उत्तर सही है या गलत होगा तो ये सही आपका ये संप्रायिक घटना है क्योंकि देखिए पर्सन सही है या गलत है इसके लिए हम बता सकते हैं क्योंकि उसकी अपन छटनी कर सकते हैं अलग से कि वह सही हो रहा है या तो सही होगा या गलत होगा दोनों साथ नहीं हो सकते ऊपर वाले में क्या बोला अगर खिलाड़ी अच्छी हुई अच्छी हुई तो डाल देगी नहीं अच्छी हुई तो कहाँ डालेगी तो उसका अपन कोई फ़िक्स नहीं कर सकते लेकिन यहाँ पर फिक्स है किया तो पर्सन आपका सही हो सकता है या आपका गलत हो सकता है दोनों साथ नहीं हो सकते तो ये गेट घटना अपने पास साम्प्रायिक हो जाएगी फिर देखिए एक बच्चे का जन्म होता है वह एक लड़का है या एक लड़की तो यह भी कन्फर्म है कि वह तो या तो लड़का होना है या लड़की होना है तो यह भी एक घटना संप्रायिक हो चुकी है अपने पास तो नीचे वाली दोनों थर्ड पर्सन और फोर्थ वाला तो सम्प्रायिक है बाकी फर्स्ट और सेकेंड वाले असंप्रायिक हो जाएगा या संप्रायिक नहीं है फिर देखिए नेक्स्ट पर्सन फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बोल लेगी इसके लिए शिकार उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है न्याय संगत विधि इसलिए माना जाता है क्योंकि देखिए जब सिक्का उछलेगा उस तो उसमें दो ही परिणाम आएंगे या तो आपके पास सिक्का उछाने के सिक्के के दो पहलू होते हैं तो या तो आपके पास आएगा पट या आपके पास आएगा चित यानी कि एक तो आ सकता है आपके हेड और एक आ सकता है आपके टेल इनके अलावा कुछ नहीं आएगा तो दो ही अपने पास तो ये एक न्याय संगत हो गया कि दोनों नहीं आ रहे अपने पास और इनमें से कोई भी एक आ जाता है तो आप वो उसकी बैटिंग ले लेगा ले या बॉल ले लेगा ले उसका फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है अपने लिए निम्न में से कौन सी संख्या किसी गठना की प्रायिकता नहीं हो सकती यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी प्रायिकता नहीं होगी तो पहला ऑप्शन दे रखा अपने दो बटा तीन ऑप्शन ए है अपना दो बटा तीन अगर हम तीन का दो में भाग देते हैं तो इसका आंसर रहेगा जीरो पॉइंट जीरो यहाँ पे आ जाएगा जीरो पॉइंट छः आ जाएगा यानी अठारह हो जाएगा ये तो इसका आंसर हो गया अपने पास तो जीरो पॉइंट छः तो देखिए ये जीरो पॉइंट छः अपना आंसर हो रहा है ये जीरो से बड़ा है हाँ है एक से छोटा है हाँ है या एक के बराबर है तो ये दोनों हो रहा है एक से बड़ा नहीं है तो ये क्या हो गई परागता ही सही है पर एकता है ये तो ऑप्शन बी क्या है अपने पास ऑप्शन बी है माइनस एक पॉइंट पाँच तो देखिए माइनस आते ही आपकी प्रयोगता नहीं होगी वो प्रयोगता नहीं होगी ऑप्शन सी दे रखा है अपने पंद्रह परसेंट पंद्रह परसेंट भाई पंद्रह परसेंट को अपन कैसे लिख सकते हैं पंद्रह बटे हुए सो तो ये क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट एक पाँच तो ये देखिए जीरो से बढ़ा रहा है तो ये भी क्या होगी प्रयोगता हो गई फिर फोर्थ ऑप्शन दे रखा है अपने जीरो पॉइंट सात तो ये देखिए जीरो से बड़ा हो रहा है तो ये भी क्या होगी प्राक्ता होगी तो ये भी क्या है अपना सही है तो इसका जो प्रश्न पूछा था कि प्राक्ता नहीं होगी तो प्रयक्तन नहीं होने वाला एक ही आपके पास ऑप्शन माइनस का एक पॉइंट पाँच इसका करेक्ट आंसर ये प्राक्ता कभी नहीं हो सकता तो क्या दोस्तों आपको चार पर्सन समझ में आए अब अपन पाँचवा पर्सन देख लेते हैं एकदम ईजी प्रश्न दे रखा है पाँचवा आपके बहुत ईजी प्रश्न है पाँचवा अब देखिए प्रैक्टिकल से संबंधित प्रश्न आ गए सूत्र के फॉर्मूले के आपके प्रश्न है पूरे के पूरे एक एक प्रश्न आपको समझाया जाएगा घबराने की जरूरत नहीं है एग्ज़ाम से पहले पूरा कोर्स करवा दिया जाएगा आपका देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए पांचवा प्रश्न है कि आपको दे रखा है पी ई पी ई है अपने पास जीरो पॉइंट जीरो पाँच और पूछा है तो आप ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी यानी अपन से ये पूछा है ये वाला ये नहीं वाला ये नहीं की प्रायिकता क्या होगी तो देखिए अपना फॉर्मूला क्या था पी ई प्लस पी ई नहीं होने की प्रायिकता बराबर एक ये बताया था मैंने दोस्तों यानी होना और नहीं होना बराबर कितना आएगा एक आएगा तो हमें बोला कि होने की प्रायिकता कितनी है जीरो पॉइंट जीरो पाँच प्लस पी ई नहीं होने की प्रायिकता बराबर एक फॉर्मूले मैंने अपन लिख दिया अब देखो पी ई नहीं होने की पक्षांतर कर दी तो एक माइनस जीरो पॉइंट जीरो पाँच अब ये देखो आप एक में से जीरो पॉइंट ये घटा दो आप एक माइनस किया आपने जीरो पॉइंट जीरो पाँच या भी पॉइंट लगा दो मैं जीरो जीरो कर दो ऊपर तो देखिए कितना बच गया अपने पास ये नहीं तो दस दस में से पास के तो पाँच या फिर कितने बच गए नौ पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट नौ पाँच अपना आंसर आया अपना जीरो पॉइंट नौ पाँच नहीं होने की प्रायिकता कितनी है जीरो पॉइंट नौ पाँच ये लो इतना सा आपका आंसर था एकदम करेक्ट आंसर है ये पूरा आंसर हो गया आपका कंप्लीट ठीक है दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कल मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों के साथ तब तक आप इन्हें देखिए व समझें